दोस्तों नमस्कार, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया एक और बड़ा तोहफा, किसानों को मिलेगा इससे बड़ा लाभ। किसानों के लिए राहत भरी खबर है, केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के उर्वरक पर सब्सिडी राशि बढ़ा दी है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदेश को खरीफ सीजन 2022 के लिए आवंटन अनुसार खाद उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। किसानों को राहत के तहत केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 1,62,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,39,000 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 77,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने आश्वस्त किया कि खरीफ फसलों के लिए महीने में 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक समय पर उपलब्ध होने से किसानों को कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने अप्रैल माह के आवंटन अनुसार शेष 1,13,000 मीट्रिक टन उर्वरक भी उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार को अनुरोध किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल के अनुसार इस वर्ष किसानों को खाद में मारामारी नहीं रहेगी। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश में पहले पायदान पर है। वर्तमान में देश में 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है और इसे आगे और बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में चला है मामा का बुलडोजर, बदमाश कल्ली गुर्जर के बहनोई का घर कर दिया है बुलडोजर से तहस नहस। मध्य प्रदेश के मुरैना में नामी बदमाश कल्ली गुर्जर के करीबियों पर गाज गिरी है। कल्ली गुर्जर के बहनोई के घर शिवराज सरकार की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उनके घर को तहस नहस कर दिया गया। तो इस प्रकार से होना चाहिए, कोई भी बदमाश चाहे वह शहर का हो या गांव का हो, इस प्रकार से काम करता है तो उस पर सरकार की ओर से ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से सरकार का यह काम युवाओं को बहुत पसंद आता है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग भी खरीदेगी अब शिवराज सरकार, इसके लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में सरकार गेहूं, चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीदने के बाद अब ग्रीष्मकालीन मूंग भी खरीदेगी। इसके लिए कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अब लक्ष्य तय होने के बाद किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। इस बार 12 लाख हेक्टेयर भूमि में मूंग की खेती की गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंचाई की सुविधा का विस्तार होने से किसान मूंग की खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसकी कीमत भी अच्छी है। केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल मूंग की दर 7,275 रुपये तय की है। पिछले साल 7,196 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकार ने 3,29,000 टन मूंग खरीदा था। केंद्र सरकार ने मूंग खरीदी का लक्ष्य 1,39,000 टन ही दिया था, लेकिन राज्य सरकार की मांग पर इसे बढ़ाकर 2,47,000 टन कर दिया गया। इसके बाद भी लक्ष्य से अधिक खरीदी हुई है प्रदेश में, जिसका वित्तीय भार सरकार को उठाना पड़ा था। अब इस मूंग को मध्यान्ह भोजन में वितरित किया जा रहा है, चाहे वह आंगनवाड़ी केंद्रों में हो या फिर मिड डे मील भोजन के लिए हो। प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, सीहोर जिले में मूंग की खेती बहुतायत होती है। यदि सरकार मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदती है तो यहाँ के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में पहली से आठवीं के बच्चों को स्कूल खुलते ही मिल जाएगा साला गणवेश, सरकार ने इसके लिए ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के पहली से कक्षा आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क साला गणवेश दी जाती है, लेकिन प्रदेश भर में विद्यार्थियों को दी जा रही स्कूल यूनिफॉर्म गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसे लेकर बाल आयोग के सदस्य ने चिंता जताते हुए एक पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को लिखा है ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। बाल आयोग के सदस्य ने चिंता जताते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म के कपड़े बेहद हल्के और कमज़ोर सिलाई के होते हैं। इसके अलावा सिलाई में भी अनेक खामियां रहती है, इसमें सुधार होना चाहिए। बच्चों को यूनिफॉर्म पूरी गुणवत्ता का मिलना चाहिए। इस प्रकार चिंता जताते हुए बाल आयोग के सदस्य ने राज्य शिक्षा संचालक को पत्र लिखा है। आप सभी को मालूम होगा कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से हर साल सरकारी स्कूलों के करीब 65 लाख विद्यार्थियों को
दो दो यूनिफॉर्म दिए जाते हैं और यह यूनिफॉर्म स्कूल खुलते ही अर्थात 15 जून से सभी बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस सत्र के लिए गणवेश तैयार करने के लिए स्व सहायता समूह को निर्देश जारी कर दिए हैं। समूह को जुलाई में गणवेश तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस सत्र में 15 जून से स्कूल खुलेंगे। 2 साल से कोविड काल के कारण बच्चों को समय से गणवेश नहीं मिल पाया, इस कारण इस बार पिछले माह में ही गणवेश तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। टेंडर भी पूरा हो गया है, इस कारण जल्द ही बच्चों को गणवेश तैयार कर दे दिए जाएंगे। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है, इस तैयारी से प्रदेश के कई जिलों को मिलेगा लाभ। इस तैयारी के लिए पॉलिसी को भी मिलेगी जल्द मंजूरी। मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को बढ़ते देख राज्य शासन द्वारा सक्रियता बढ़ा दी गई है। नक्सली संगठन की सक्रियता को देखते हुए नई नक्सल नीति तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, बालाघाट ऐसे इलाके हैं जहां नक्सली संगठन तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। प्रदेश के कई नेशनल पार्क में नक्सलियों के मूवमेंट तेज हो गए हैं, जिसको देखते हुए अब सरकार ने नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों को खत्म करने के लिए नक्सली सिलेंडर पॉलिसी लागू की जा रही है। नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड देने के साथ साथ नक्सल पॉलिसी पर भी विचार किया जा रहा है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद नक्सली पॉलिसी को कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही इस पर घोषणा की जा सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बार प्रदेश को नक्सल मुक्त राज्य बनाने की कयावत के विषय में खुलकर बोल चुके हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसे नक्सल मुक्त बनाना है, इसके लिए तैयारियां शुरू की जा रही है। वही माना जा रहा है कि जल्द ही नक्सल नीति ले जाने से मध्य प्रदेश के नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और उनसे मिली जानकारी के आधार पर प्रदेश को नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने में लाभ मिलेगा। प्रदेश में बिजली कटौती पर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होती, जरूरत की मिलती है बिजली, लेकिन प्रदेश में कोयला ही कम है। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर राहत की बात यह है कि प्रदेश में बिजली जरूरत के मुताबिक मिल रही है आमजन को। ऐसे में बिजली की अघोषित कटौती बंद हो गई है। चिंता सिर्फ कोयले की कमी को लेकर है, क्योंकि सबसे बड़ी इकाइयों में से 2 से 2.5 दिन की जरूरत के हिसाब से ही कोयला बचा हुआ है। अर्थात जो प्लांट बिजली पैदा कर रहे हैं वहाँ पर 2 से 2.5 दिन का ही कोयला बचा हुआ है, जिस वजह से इकाइयों को आधे लोड पर ही चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जन को बिजली कम मिल रही है। बिजली कटौतियां नहीं हो रही है, कोयले की कमी के कारण बिजली कम मिल रही है। कोयले की कमी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। अब इस पर क्या फैसला निकला है वह देखना होगा। यह तभी सही लगेगा जब तक बिजली पूरी मिले। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।